डियर सरफरोश, मेरी जिंदगी की पहली फिल्म और मैंने इसमें राजन का करेक्टर किया था और इट वॉज मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला काम था और इतना खूबसूरत था। जॉन साहब, मनोज जोशी जी जिन्होंने मुझे जॉन सर तक पहुंचाया और उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैंने राजन का करेक्टर किया, इट वॉज नोटिसेबल करेक्टर बट फिल्म वॉज अमेजिंग एंड आई एम प्राउड दैट आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस सरफरोश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम बहुत खुशी का दिन है आज, 25 साल हो गए सरफरोश को। मैं इसमें कैप्टन शफी था और जॉन साहब को, आमिर साहब को, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आज बहुत अच्छा मोमेंट है, 25 साल एक पिक्चर को पूरा होना, इसे ग्रेट। हम सब लोग जितने भी कलाकार इसके हैं बहुत खुशी हो रही है और आप सब मीडिया वालों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसी फिल्में बनती रहे जो एक इतिहास रच दे और इस फिल्म ने भी, सरफरोश ने भी एक इतिहास रचा। बहुत अच्छा, आमिर साहब के साथ मैंने कई फिल्में की है लेकिन सरफरोश जो है मेरी यादगार फिल्म है। यस हाँ जी, मेरी पहली पिक्चर थी खुदा गवाह अमिताभ बच्चन जी के साथ, उसके बाद सरफरोश थी, कोहराम, मात अली सलाम, तो 100 से 150 फिल्मों में एज ए विलन मैंने काम किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किधर किधर many of them I have not met, so I'm more excited. You know, कभी तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to south and he became a big star there. And so I haven't really, so I'm looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया। ये 25 साल का असर है और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं, so we are looking forward because at that point in time, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू मथाया ले गया था एक महीना डेढ़ महीना वहाँ पर, मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था। तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो, कौन किसके कमरे में रुका है या यू नो रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे। सो इट वाज अ फैमिली। यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन। एक तो पुरानी और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है एंड देन इट हैज़ मोर ऑफ एक्शन, द सब्जेक्ट स्टोरी लाइन इज़ नॉट देयर। इफ़ यू सीन दिस फिल्म, दिस इज अ स्टोरी एंड हमारा जो एक इंडियन लैंडस्केप है जो बड़ा है, यू नो इट जस्ट ट्रैवल्स फ्रॉम द सिटी टू द जंगल्स टू द डेजर्ट, सो यू विल सी डिफरेंट टेरेन्स। सो इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन यू सी अ फिल्म, नो फिल्म
ऐसी बड़ी लगती है विच नीड्स टू बी वॉच्ड इन सिनेमा हॉल्स. आई थिंक आमिर इज बीन इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई थिंक तभी भी वो एक सिर्फ एक्टर ही नहीं था, ही वॉज मच मोर देन दैट. इज अ वेरी गुड को एक्टर. आई थिंक ही हैड सेंस ऑफ सीन, लिखा कैसे जाता है, डिरेक्ट कैसे किया जाता है, एंड ही वॉज क्रिएटिंग आई गेस द स्टोरी. आई थिंक ही इज बीन इवॉल्विंग एंड नाउ ही इज मोर ऑफ आई थिंक यू कैन से इवॉल्व. नाउ ही इज अ फिल्म मेकर ऑल्सो. ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि लोग जब जब लोगों ने देखा है, और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में. और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ. तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए यह है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी. मेमोरीज बहुत हैं, ये फिल्म इज़ ए फुल ऑफ मेमोरीज. मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था, जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था. और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब. तो मैं ये तो कमाल कहूँगा, जान साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए. थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. You know where to
understand the course strategically. Thanks. अब हो गया।